Nobody is perfect. दोस्तों, जिस तरह ब्रह्मांड की हर एक चीज सच्ची है, उसी तरह ये लाइन भी पूरी तरह से सच्ची है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में चूक ही जाते हैं, और परफेक्ट होना सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। लेकिन जब लोग दिमागी तौर पर या फिर बाकी किसी दूसरी चीजों में बाकियों से कम होते हैं तो लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन जब बात फिजिकल अपीयरेंस की आती है तो दुनिया आपको तरह तरह की बातें सुनाने के लिए खड़ी हो जाती है। ऐसे में कई सारे लोग हार मानकर रोने धोने लगते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। और आज हम भी आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं जिनके कारनामे वाकई में काबिले तारीफ हैं। मैरी स्टीवर्ट। दोस्तों, अभी कुछ ही सालों पहले ब्रिटिश मॉडल कैट मॉस की थिन बॉडी लड़कियों के लिए काफी ज्यादा क्रेज बन गई, जिसकी वजह से हर लड़की अपने आप को बिल्कुल जीरो फिगर में लाना चाहती थी, और ये चीज हर जगह पर थी। जहां आप कुछ ही सालों में देख सकते हैं कि किस तरह लड़कियों के अंदर डाइटिंग करने का जुनून सवार था। हालांकि ये जुनून अभी भी नहीं गया, और इसी वजह से कई सारी महिलाओं को सीरियस हेल्थ इश्यूज होने लगे, जहां पर डाइटिंग और कम न्यूट्रिशन की वजह से महिलाओं का ज्यादातर एनोरेक्सिया नाम की बीमारी होनी शुरू हो गई, जिससे इनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत कम होती है। वैसे तो काफी सारी महिलाओं का ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक भी हो गई, लेकिन जब मैरी स्टीवर्ट को स्लिम बॉडी पाने का भूत सवार हुआ तो ये पूरी तरह माचिस की तिल्ली की तरह दिखाई देने लगी, जहां इनके शरीर में हड्डियों के ढांचे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था, जिसकी वजह से इनकी हालत खराब होती चली गई। लेकिन इनकी खुशकिस्मती की वजह से डॉक्टर का इन्हें काफी साथ मिला और ये इम्प्रूव करती चली गई, और अब ये काफी फिट और एक्टिव है, जहां ये न सिर्फ खुद को फिट रखती हैं, बल्कि लोगों को भी ये सलाह देती हैं कि डाइटिंग वगैरह से ज्यादा अच्छा हेल्दी फूड खाकर एक्सरसाइज करना है, जिससे आपकी बॉडी में ताकत की कमी कभी महसूस ना हो और आप हमेशा फिट रहें। ऐसे में दोस्तों, देर से ही सही, लेकिन मिस स्टीवर्ट को अक्ल तो आ गई। क्रैग गोलियस। हमाना की महिलाओं की पतली दुबली बॉडी ट्रेंड कर रही है, लेकिन जब पुरुषों की बात आती है तो वो अगर पतले हैं तो उन्हें स्टाइलिश नहीं बल्कि कमजोर समझा जाता है। अब जैसे कि आप यूएस में रहने वाले क्रैग गोलियास को देख लीजिए, जहां एक समय में इनका वजन बहुत कम था, लेकिन जब ये 20 साल के हुए तो इन्होंने ठान लिया कि इन्हें अपनी बॉडी के साथ क्या करना है। और अब अगर आप क्रैग को देखेंगे तो वाकई में यकीन नहीं कर पाओगे, ये वही लड़का है जिसे लोग दुबला पतला कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि महज कुछ ही सालों में जिम में घंटों मेहनत करने के बाद क्रैग ने 160 किलो तक वजन बढ़ा लिया है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। ऐसे में दोस्तों, आप इनकी इस फोटो पर नजर डालिए, जहां पर ये जब बैठते हैं तो बाकी के पैसेंजर्स इनके सामने बच्चे की तरह लग रहे हैं, जहां इनकी बॉडी किसी सुपर हीरो की तरह है, और क्रैग अपनी बॉडी के बारे में कहते हैं कि इन्होंने ये बॉडी इंस्टाग्राम पर शो करने के लिए नहीं बनाई है, बल्कि इसके लिए काफी मेहनत की है, और इनकी एक्सरसाइज के साथ साथ इनकी डाइट भी इनकी शानदार बॉडी में अपना योगदान देती है। हालांकि इतनी हार्ड और पावरफुल बॉडी की वजह से ये ठीक से बैठ भी नहीं पाते और ना ही अपने शूज बांध पाते हैं, लेकिन अब जब इतनी बेहतर पर्सनैलिटी चाहिए तो थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, क्योंकि ये बात तो कहीं से भी गलत नहीं है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, फिर चाहे वो कोई भी चीज ही क्यों ना हो। डेविड एग्युलर। दोस्तों, जहां हम आज आपको इतनी सारी कहावतों के एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहां एक और कहावत सुन लीजिए। जब ये कहा जाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कि कुछ भी असंभव नहीं है, और इसका साक्षात प्रमाण आपको डेविड देते हैं, क्योंकि जब पैदा हुए तब से इनका राइट हैंड पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, यानी वे सिर्फ आधा ही था। अब जाहिर सी बात है कि इंसान का राइट हैंड ना हो तो उसे काफी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि अधिकतर लोग राइट हैंड से काम करते हैं, और यही हाल डेविड के साथ हुआ। यूं तो इस समय कई सारी डिवाइस आ गई है जहां ऑपरेशन की मदद से आप नकली हाथ लगवा सकते हैं, जो असली तो नहीं होंगे लेकिन हाँ उनकी तरह काम जरूर करेंगे, और डेविड भी यही चीज करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ अलग ही तिगड़म बिठाई, जहां बचपन से ही डेविड को प्लास्टिक के लेगो सेट्स के साथ खेलना अच्छा लगता था, जिस वजह से उन्होंने सोचा क्यों ना लेगो सेट से ही अपने रोबोटिक हाथ बनाए जाएं। और दोस्तों, यकीन मानिए, इनकी सोच सिर्फ कल्पना में सीमित नहीं रही, बल्कि इन्होंने ऐसा करके भी दिखा दिया, और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार पहले से बेहतर हाथ अपने लिए बनाए, जिसे अब ये इतने अच्छे से डेवलप कर चुके हैं कि इसकी मदद से ये अपने सभी काम आसानी से कर लेते हैं। वैसे अगर इन्हें म्यूजिक बजाना हो तो उस नकली हाथ की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे भी काफी अच्छा म्यूजिक बजाते हैं। और अब इनका ये लेगो हैंड भी काफी फेमस हो गया है, जहां डेविड को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, और इसके साथ साथ ये बायो इंजीनियरिंग में अपना करियर बना रहे हैं। ऐसे में आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये काफी अच्छी अच्छी चीजें बनाकर लोगों के सामने पेश करेंगे।
तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहे। शैलोम निकॉन। दोस्तों जब शैलोम मात्र 9 साल की थी तो एक दिन अपनी मदर के रेस्टोरेंट में इनके ऊपर खोलता हुआ तेल गिर गया, जिसकी वजह से इनके मुंह के साथ साथ बॉडी का काफी हिस्सा जल गया। और अब तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जले हुए फेस को देखकर लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सेम ऐसा ही शैलोम के साथ भी होता था, जहां कोई उन्हें मॉन्स्टर कहता था तो कोई स्केयर फेस के नाम से बुलाता था। ये सभी बातें शैलोम को अंदर ही अंदर तोड़ती चली जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से उन्होंने फैसला किया कि अब ये किसी की भी कोई बात नहीं सुनेंगी और ये जैसी हैं उसे एक्सेप्ट करेंगी। लेकिन हाँ, ये अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में पीछे नहीं हटेंगी। और इन सब चीजों को देखते हुए इन्होंने मेकअप को अपना सहारा बनाया, जहां शैलोम ने अपने ऊपर बेहतर से बेहतर मेकअप अप्लाई करते हुए लोगों को ये दिखाया कि किस तरह आपका फेस चाहे जैसा हो आप इसे बेहतर बना सकते हो, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी वाकई में कुछ भी करने में संभव है। जिस वजह से इन्होंने अपना YouTube चैनल चलाया और अब कई सारे लोग इनके मेकअप ट्यूटोरियल्स को देखते हैं और इनसे इंस्पायर होते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपको बचपन में किसी ने इस तरह के अपीयरेंस को लेकर तंग किया है? अगर हाँ तो अपनी इस स्टोरी को हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कॉमेंट बॉक्स सिर्फ आपके लिए। ब्रेन फिन। अब दोस्तों आप इस शख्स से मिलिए जिसने तो दूसरों की जिंदगी संवारने का जैसे बीड़ा ही उठा रखा है, क्योंकि टैटू का क्रेज तो हम सभी जानते हैं, जहां हर कोई आजकल टैटू बनवाने में जुटा हुआ है। जिसको देखो वही अलग अलग तरह का टैटू बनवाकर कूल दिखने की कोशिश करता है। लेकिन टैटू को एक अलग तरीके से भी यूज किया जाता है और इसका एग्जांपल लोगों के सामने ब्रायन ने दिया। एक दिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी अपने टैटू मेकिंग के टैलेंट को काफी अच्छे से यूज करेंगे, जहां लोगों के शरीर में जितने भी स्कार्स वगैरह हैं जो इन्हें किसी गलत हादसे या फिर चीजों के साथ उन्हें मिल जाते हैं जिन्हें देखकर उन्हें हमेशा दुख होता है, ये उन दागों को उनके शरीर से पूरी तरह से हटा देंगे। और इसमें टैटू से अच्छा अल्टरनेटिव कुछ है ही नहीं। जहां इनकी एक क्लाइंट जिसका नाम ली रिंग था, उसकी लाइफ में काफी सारी ट्रेजेडी हुई थी, जिसकी वजह से यंग एज में ही उसने अपने हाथ को काटना शुरू कर दिया और मेंटल प्रॉब्लम की वजह से ये उसे कंटिन्यू करती रही। हालांकि अब इनकी मेंटल प्रॉब्लम तो ठीक हो गई, लेकिन हाथों में पड़े निशान कहां ठीक होने वाले थे। और फिर उन्हें ब्रायन के आइडिया के बारे में पता चला, जिसके बाद ली रिंग ने ब्रायन से इनके हाथों के स्कार्स पर शानदार टैटू बनाकर उन्हें ट्रांसफॉर्म करने को कहा। और अब अगर आप इन मोहतरमा को देखेंगे तो इनके हाथों में स्कार्स की जगह आपको फूलों के साथ साथ तरह तरह के सिंबल्स दिखेंगे, जो वाकई में काफी खूबसूरत दिखते हैं। जैसे शर्ण। अब दोस्तों खुद को चेंज करने वाली हमारी स्टोरी को देखिए, जहां पर मिशिगन में रहने वाले जैसे का वजन एक समय में 300 किलो से भी ज्यादा था, जिसकी वजह से ना तो ये ठीक से चल पाते थे और ना ही बाकी के काम कर पाते थे। जहां इन्होंने अपने घर से निकलना भी छोड़ दिया और इतने अग्रेसिव हो गए कि तरह तरह के हेटर कॉमेंट्स करके लोगों के ऊपर अपना गुस्सा निकालते। लेकिन एक दिन उन्होंने बॉडी बिल्डिंग वेबसाइट में अपनी फोटो पब्लिश करते हुए ये लिखा कि आप इस मोटे इंसान से कुछ भी पूछ सकते हैं। और ऐसा करने के बाद ये सोचने लगे कि अब लोग इन्हें तरह तरह की बातें सुनाएंगे। लेकिन जो हुआ वो उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी अलग था, क्योंकि कई सारे लोगों ने उन्हें खुद को बदलने के बहुत से तरीके बताए जिससे किस तरह खुद को बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों लोगों के इस जुनून को देखते हुए जैसे ने भी ठान लिया कि अब वे अपने अंदर बदलाव लाएंगे। इसके बाद इन्होंने लगातार जिम में मेहनत के साथ साथ जंक फूड खाना बंद कर दिया और धीरे धीरे करके अपने एक्सरसाइज का डोज भी बढ़ाते चले गए, जिसमें बाकी लोकल एथलीट्स ने भी इनकी मदद की। और अब अगर इनका ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे, जिसमें इनका वजन मात्र 120 किलो का ही है, जहां इन्होंने आधे से ज्यादा वजन घटाकर एक मिसाल कायम कर दी है। दोस्तों ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर रोने के बजाय उसे बेहतर बनाने की सोची और दुनिया के सामने खड़े हो गए। बाकी आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना।
और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए। धन्यवाद।